कामयाबी हुई है। 81,000 रुपए लूटे गए थे। सर सामने सर 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 रोको बीमारी मद्देनजर रखते हुए एक और केस जो करने वाले तो होशियार हो रहे हैं वो ऐसे दातर गवर्नमेंट गड्डिया रिकवर हुई हैं और एक बड़ा गिरोह का फंडा फाट हुआ है और ये साड़ी गिरफ्त में चला है। इस गिरोह का जो मुखी है सुदीप और साथी साढ़े गिरफ्त में चाहे क्योंकि दो कट्टे गए अक्सर कट्टे सब जानते हैं। कुछ समय पहले डुगरी पुलिस स्टेशन के तहत लगते हुए पेट्रोल स्टेशन हैगा अभिराज फिलिंग स्टेशन 200 फुटी रोड विच वहाँ पे एक वारदात हुई थी खो की जहाँ पे तीन लड़के मोटरसाइकिल पे आके पिस्तौल दिखा के थे दफ्तर लैके 81,000 रुपए खो के लै गए सी। साड़ी टीम ने बहुत मेहनत करके इस वारदात नू ट्रेस कर लेता है ते इना दे कोल जो इस वारदात में शुमार थे ते इनू इस पूरी साजिश में शामिल थे चार लोग गिरफ्त हुए हैं और साढ़े लिए बोनस ये हुआ है कि ये गिरोह एक और वारदात करने जा रहा है सही का होशियारपुर विच और उस गिरोह दे नवे जो दो और इना दे नाल बंदे जुड़े हुए सी वो भी पुराने वैसे स्नैचरिंग स्नूचिंग में इन्वॉल्व रहे हैं वो भी साड़ी गिरफ्त में आ गए तो कुल छः बंदे साड़ी गिरफ्त में आ गए हैं। इना दे कोले दातर और दो वेपन एक 12 बोर दा ते एक 315 बोर दा रिकवर हुआ है ते पैसे ते गड्डियाँ रिकवर हुई हैं। पड़ताल दौरान सानू पता चला है कि जो इनका मुखी हैगा कुलदीप सिंह उस पे पहले 7 पर्चे हैं और पिछले 15 साल से ये सक्रिय रहा है पंजाब में और सिर्फ लुधियाना ही नहीं दूसरे शहरों विच भी होशियारपुर भी और भी थावां पे इसने वारदातें कितनी हैं उत्थे सजा वाफ्ता भी रहा है ऊना विच भी सर ये जेल विच रहा है होशियारपुर जेल विच भी रहा है और हाल फिलहाल में ये बेल आउट्स थे इना दे नाल के जो दूसरे मेम्बरान हैं उन्होंने ऊपर भी पुराने पर्चे चले आ रहे हैं और इन्होंने भी ऐसी वारदातें कितनी हैं और सानू एक बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें अपा ये 6 स्नैचर्स थे इन्हां दे कोले जो असले थे वो बरामद किए। सर 15 साल तो सक्रिय रहा तुसीं कहा कि बार बार जेल तो बाहर गया लगता कि हुण जे अगर तुहाडे ग्रिप्स ते कोई काउंसलिंग वगैरह इदां दी कीती जावे कि अपराध ही खत्म हो जावे तो एक करे ना दोबारा। देखिए अपराधी नूं काउंसल तो कीता ही जांदा बट ये बंदे नशे दे आदी सी ते इन्हां नूं जेल विच नशे छुड़ान दी भी आपां इन्हां नूं मतलब इन्हां नूं समझावांगे भी और इन्हां नूं नशे जेल अथॉरिटीज़ नूं भी रिक्वेस्ट करांगे। इन्हां दा एक पहली वारदात जो इसने बंदे ने कीती सी जो मुखी था उसके जो साथी था वो भी नशा लैंदा सी हुण वो नशा छोड़ चुका है और अच्छी लाइफ में लौट चुका है तो एक इन्हां दे कोले एक एग्जाम्पल खुद ही है जो इन्हां दा एक बंदा जो सच्ची सुची कहते हैं जिंदगी जो लौट गया है तो उससे प्रेरणा लेके ये खुद ही अपनी जिंदगी में सुधार रही है। जेल तो सजा ही कटने जाते हैं आके फिर और अपराध करना पड़ने ये तो अगले की मर्जी है अपराध करना ना करना उसकी मंशा पे है। सर एक ग्रुप एक ही है 6 बंदे का या ये तो अलावा और बंदे भी हैं इन्वॉल्व ने जेड़े हजे बाहर ने गिरफ्तार नहीं है सारे के सारे गिरफ्तार हो गए। 4 ने वारदात कीती सी और 2 और बंदे थे उनके साथ इनका मुखी मिलके ये बखरे 2 हैं जिनके साथ होशियारपुर में वारदात करने वाले थे जो पफड़े हैं। एज ग्रुप की है जी नजर ये 40s में भी हैं 30s में भी हैं। सर रिकवरी हो गई पैसे की? हाँ जी लगभग सारे हो गए। सर 2022 के इलेक्शन आ रहे हैं उस तो पहला इदा दी एक्टिविटीज नू दी तेजी आना कितने कितने ये सवाल खड़े करता कि इलेक्शन तो भी जुड़े हुए ने कितने कितने। आई एम नॉट द इलेक्शन कमीशन आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू टॉक।